3D modular तो उसके लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद अगर इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं तो क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। तो ये वीडियो हर एक डिप्लोमा स्टूडेंट और साथ ही साथ बीटेक और बी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत ढेर सारे बच्चे होते हैं जिनको स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट नहीं आता, बट दे वांट ऑफिशियल जॉब। उनको क्या चाहिए होता है कि ऑफिस का जॉब चाहिए, साइट पर नहीं जाना है। तो एक ऑप्शन तो था कि स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, बट कई लोग होते हैं ना कि स्ट्रक्चर में नहीं जाना, सर हमें सोम नहीं समझ आता, आरसीसी नहीं समझ आता है। तो ऑप्शन कुछ है क्या उसके लिए? यस, उसके लिए ऑप्शन है 3D मॉड्यूलर की या फिर BIM मॉड्यूलर की, दोनों प्रोफाइल एक ही है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम देती है, BIM मॉड्यूलर या फिर 3D मॉड्यूलर। तो आइए देखते हैं इसके लिए पहले कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक BIM मॉड्यूलर को तीन में से कोई एक सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। कौन कौन से तीन सॉफ्टवेयर है? पहला सॉफ्टवेयर है रेविट। रेविट सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री के अंदर फॉर 3D मॉडलिंग, फॉर BIM मॉडलिंग सबसे ज्यादा यूज होता है ये सॉफ्टवेयर। इसके बाद दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो है स्केचअप। क्या है? स्केचअप। स्केचअप सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री के अंदर फॉर 3D मॉडलर एंड BIM मॉडलर के लिए। अब एक सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है इन सबसे भी आगे जो बहुत कंपनी में वो भी यूज होता है, जिसका नाम है 3ds Max, 3 डायमेंशनल स्टूडियो मैक्स उसको बोलते हैं, 3ds Max। ये तीन सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं 3D मॉडलिंग के लिए, BIM मॉडलिंग के लिए। अब आप में से कई ढेर सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे मुझे, क्यों सोच रहे होंगे सर हमने रेविट सीखा है बट हमारी रेंडरिंग की क्वालिटी ही अच्छी नहीं रहती है रेविट में, कैसे लोग यूज करते होंगे रेविट। तो लोग उसको यूज करते हैं रेविट को, उसके अंदर कई ढेर सारे लोग वीरे इंस्टॉल करते हैं। वीरे एक प्लगइन है, रेविट के अंदर इंस्टॉल होता है, स्केचअप में भी इंस्टॉल होता है और 3ds Max में भी इंस्टॉल होता है। वो प्लगइन क्या करता है, रेंडर की क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रेंडर हमें सबमिट कर देता है। दूसरा, कुछ लोग स्केचअप के थ्रू बैकग्राउंड चेंज करके फोटोशॉप के थ्रू बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके 3D मॉडलिंग थोड़ी अच्छी कर देते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। बट मेरे को इन दोनों से ज्यादा अच्छा जो तरीका लगा वो इनस्केप करके एक सॉफ्टवेयर आता है, प्लगइन है एक्चुअली, छोटा सा प्लगइन है इनस्केप। अगर उसको रेविट के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाए और स्केचअप के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाए, बेहतरीन क्वालिटी का रेंडर आपको दे देगा, बेहतरीन क्वालिटी का रेंडर आपको दे देगा। मैं 3ds Max के लिए वीरे ही बोलूंगा कि 3ds Max में वीरे का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बट रेविट के अंदर और आपका स्केचअप के अंदर दोनों के लिए मैं इनस्केप सॉफ्टवेयर आपको बोलूंगा। छोटा सा प्लगइन है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फटाफट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। आपकी रेंडर की क्वालिटी इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि आपको 3ds Max का एक तरफ रेंडरिंग रखोगे और रेविट का एक तरफ, तो आप रेविट की तरफ शायद ज्यादा इंप्रेस हो सकते हो। ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, किया हुआ है, इसलिए बता रहा हूं आपको। तो ये था आपका कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। अब इसमें से अगर आपका माइंडसेट हो ही गया कि मुझे इसी इंडस्ट्री में रहना है, तो मैं बोलूंगा तीनों सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टीज ले लो। क्यों? कोई कंपनी रेविट यूज कर रही है, कोई स्केचअप, कोई 3ds Max, आप तीनों के लिए एक्सपर्टीज हो तो किसी में भी जाके ऑफर काम कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज दोस्तों इसमें यह होती है 3D मॉडलिंग की प्रोफाइल में, BIM मॉडलिंग की प्रोफाइल में, कि आप एक कंपनी में तो जॉब कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपसे 3D मॉडलिंग के लिए खुद से कॉन्टेक्ट करने लगे, मतलब फ्रीलांसिंग अर्निंग इसमें बहुत ज्यादा है। क्यों? हर कोई चाहता है, बहुत ढेर सारे आर्किटेक्ट उनके पास टाइम नहीं, वो आपको कॉन्टेक्ट करते हैं, जल्दी से 3D मॉडल बना के भेजना, लो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, लोग अलग अलग प्राइस देते हैं। जैसे हम लोग 6 रुपए स्क्वायर फीट लेते हैं, 6 रुपीज स्क्वायर फीट 3D मॉडलिंग का चार्ज है मेरा। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, तीनों चीजों को सीख सकते हैं। अगर तीनों नहीं, अगर अभी आप बिगनिंग में हो, आप ज्यादा पैसे वगैरह इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, वैसे तो हम लोग तो बहुत कम फी में, आई थिंक 2,500 में लोग रेविट पूरा सिखा देते, तो आपको ऐसे तो सारे सीख सकते हो। बट अगर आपको होता है कि नहीं मैं जॉब के बाद सारे सीखूंगा, तो आप पहले नंबर का सॉफ्टवेयर मतलब रेविट को सबसे पहले सीखिए, क्योंकि जॉब के सबसे ज्यादा जो चांसेस रहेंगे वो रेविट रहेंगे आपके। चलिए, ये तो रहा स्किल्स। इससे पहले ऑटोकैड कंपलसरी है, ऑटोकैड को तो भूलना ही मत, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहां क्या पूछ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं गाइस। तो इंटरव्यू में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है सबसे ज्यादा, जैसे अगर
मॉडलिंग की प्रोफाइल है, तो सबसे ज्यादा विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना इंसान का। तो विजुअलाइजेशन के लिए कलर कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिजाइन का आपका क्या कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डीपीआई डॉट पर इंच, जितनी हाई डीपीआई की आपकी इमेज रेंडर होगी उतना हाई क्वालिटी का रेंडर आपको मिलेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि आपका एक मोबाइल से फोटो खींचा, सेल्फी खींचा, अब सेल्फी खींचते थे आपको देखते हैं अच्छा ये तो 2 MB का फाइल बन गया, और किसी एक के दूसरे मोबाइल से खेलते हो 500 KB का बनता है, किसी एक मोबाइल से खेलते हो 10 MB का बन जाता है, क्या था ये सब, ये रेंडर की क्वालिटी है उसकी, ठीक है। जितना अच्छा कैमरा होगा उतना ज्यादा उसकी क्वालिटी, डीपीआई ज्यादा होगी, डॉट पर इंच ज्यादा होगा, उतनी हैवी फाइल्स को क्रिएट करेगा, और जितनी हैवी फाइल्स आपको रेंडर का पता होगा जिसने भी सीखा होगा, बहुत टाइम लगता है और अच्छी क्वालिटी का रेंडर करने के लिए। ये डीपीआई था। एक पूछा जाता है कॉमन क्वेश्चन है एफपीएस, फ्रेम पर सेकेंड, क्या फ्रेम पर सेकेंड, ये वॉक थ्रू जो बनाते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, जितना एक फ्रेम के लिए जितना सेकेंड रुकोगे उतना हैवी वॉक थ्रू बनता है, उतनी अच्छी क्वालिटी का आपका वॉक थ्रू बनता है। इससे भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं, जेपीजी क्या है, पीएनजी क्या है, इससे क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते हैं, पीएनजी और जेपीजी में चेंजेस क्या, मतलब की डिफरेंस क्या है, इससे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अब जब मॉडलिंग के लिए आप जा रहे हो तो हो सकता है कि उनके कंपनी में प्लानिंग का भी काम आप ही देखो, क्योंकि अब अलग से लोगों को हायर करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो लोग क्या करते हैं चलो एक ही बंदा है, तो प्लानिंग अगर आप करें तो महारेरा के रूल्स और वास्तु के रूल्स, वास्तु के क्या क्या रूल है, और बिल्डिंग बाय लॉ के रूल्स, ये तीनों तो आपको एकदम रटे होने चाहिए, इनके बिना तो आप मॉडलिंग कर प्लानिंग कर ही नहीं सकते, और जब बेहतरीन प्लानिंग नहीं होगी तो बेहतरीन मॉडलिंग का सोच ही नहीं सकते हो। तो ये तीनों चीज बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ लो, मैंने ऑलरेडी सारी चीजों की यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया है, ऐप के ऊपर अपना जो भी हम लोग ऐप लॉन्च हो गया है बहुत खुशी होती है बताते हुए, तो आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर लेना, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा सब कुछ, और मैंने तो वहां पर ऐप में स्टडी मटेरियल में बिल्डिंग बाय लॉ, महारेरा के रूल्स और वास्तु शास्त्र सबका हमने पीडीएफ दे रखा है, आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सब आपको कंटेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं 3D मॉडलिंग के लिए। अच्छी बात यह है कि 3D मॉडलिंग में ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। 3D मॉडलिंग की जो प्रोफाइल है 3D मॉडलर की या फिर BI मॉडलर की, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है। क्यों भाई? क्योंकि जितनी अच्छी रेंडर की क्वालिटी आप सबमिट करोगे उतना ही अच्छा आपको पैकेज मिल सकता है। इसमें 15,000 रुपए मिनिमम लेके चलिए आप, मिनिमम से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं तो 30,000 से 35,000 रुपए आप 2 साल के अंदर पहुंच जाओगे अच्छी कंपनी में, अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो, और फिर धीरे धीरे आप इसके आगे बहुत से इसमें प्रोफाइल्स ऐड हो जाते हैं, वॉक थ्रू में आप ऐड हो जाइए, उसके लिए लुमियन सॉफ्टवेयर को सीख लीजिए और या तो नेविसवर्क सीख लीजिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, बट बिगिनिंग की मैं बात कर रहा हूँ जहां पर इससे कैरियर स्टार्ट होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ महारेरा का रूल पढ़ लीजिए, आपको वास्तु का रूल पढ़ लीजिए और बिल्डिंग बाय लॉ का रूल पढ़ लीजिए, और जैसे इन तीनों सॉफ्टवेयर में से कोई एक सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टीज अपनी एकदम ए ग्रेड अच्छा होगा कि तीनों कर लो तो फिर कोई बात ही नहीं है। ऑटोकैड आपको आना चाहिए, वो कंपलसरी है। तो ये अगर स्किल्स आपके पास है तो आप ऑफिस की जॉब बिना ज्यादा पढ़े, इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस ज्यादा करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ बिना ज्यादा पढ़े, क्योंकि स्ट्रक्चर की प्रोफाइल में मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए कि क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, उसमें बहुत से क्वेश्चन है, बट इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है। विजुलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कलर कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा पिंटरेस्ट नाम की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, आपको पता होगा कुछ लोगों ने देखा होगा, पिंटरेस्ट पे आएंगे तो बहुत ढेर सारे रेंडर हाउसेस वगैरह बनेंगे। अभी हमारा भी प्लान चल रहा है कि हम लोग भी अपने ऐप के अंदर ऐसे ढेर सारे फॉर्मेट्स में पिक्चर्स वगैरह दिखाएं, धीरे धीरे होगा, बट अभी आपके लिए आप पिंटरेस्ट पे जाके वहां पिंटरेस्ट से आराम से देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशन। मैं तो डिजाइन के थॉट भी पिंटरेस्ट से उठाता हूँ कि अच्छा ठीक है, इनका ये बालकनी का अच्छा डिजाइन लग रहा है, इनका ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, तो थोड़े से उनको मेचअप करो और एक अपना अच्छा ड्रॉइंग क्रिएट कर सकते हो। ये सबसे स्ट्रॉन्ग और इजी मेथड होता है फॉर फ्रेशर्स कि क्या डिजाइन बनाए, एक का देखा, दूसरे का देखा, तीसरे का देखा, कुछ कुछ मिक्स किया और बहुत अच्छा आपका बन गया, इस तरीके से कर सकते हो। प्लस हमेशा हर कोई अपना जो भी रो हाउस बनाएगा या फिर अपार्टमेंट बनाएगा हमेशा आगे की तरफ देखता है, मतलब अगर एक गांव वाला बंदा है अगर वो आपको डिजाइन के लिए बोल रहा है, अगर आपको उसके थॉट के साथ के अकॉर्डिंग बनाना है तो आप उसको सिटी का घर दिखाओ, सिटी का डिजाइन दिखाओ, वो हमेशा प्रीफर करेगा हाँ यार यही कुछ चाहिए मुझे। एक सिटी का बंदा है उसे एक मेट्रो सिटीज का
बड़े सा डिजाइन दिखाओ, उसके माइंड में रहेगा हाँ मेट्रो सिटीज का डिजाइन क्या बेहतरीन डिजाइन है। एक मेट्रो सिटीज का बंदा है, उसको फॉरेन की डिजाइन दिखाओगे तो उसको लगे वाओ यार कि तो क्या अलग चीज है। तो इस तरीके से डिजाइन को आप सबके जो भी स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा ऊंचा करके दिखाओगे डिजाइन को तो हमेशा वो प्रीफर करेंगे आपके डिजाइन को। और ये मैं कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ, आपको की दे रहा हूँ, ये आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ऐप को अच्छा लगा हो तो मेरा ऐप अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको पे रिव्यू वगैरह डाल दीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दे रहा हूँ। और चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। क्योंकि ऐप में अच्छा है कि हमसे चैट भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी हम लोग उसमें डाउट सेशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं किस तरह से डाउट सेशन ले सके। चलिए जय हिंद वंस अगेन एंड जय भारत।